सत श्रीकाल जी, KRT न्यूज़ देख रहे हो तो मैं हाँ राजेश अलूना। नवें नवे मुद्दों के नाल और नवें नवे चेहरे के नाल तुहानू रूबरू करवाते रहने अपने चैनल के माध्यम से। दस दिए कि SSM कॉलेज में एक कैंप जिहड़ा ऑर्गनाइज़ किया गया है, नैशनल सर्विस स्कीम NSS का जिहड़ा कैंप है, 7 दिन का यह कैंप है। तो ये अज मुख मेहमान के तौर पर डॉक्टर बाजवा जी पहुँचे ने, तो उन्होंने वालों बच्चों जिहड़ा अवेयरनैस के प्रति जिहड़ा है वो कुछ टिप्स जिहड़ियां ने वो दसियां गईयां ने। तो आओ गलबात कर लैंदे आ डॉक्टर बाजवा जी नाल, अते जो इत्थे दे स्टाफ है उन्होंने भी असीं गलबात कर लैंदे आ कि उन्होंने इस विषय उत्ते की कहना। मैं डॉक्टर BS बाजवा, रिटायर्ड DHO, प्रेजेंटली बाजवा हॉस्पिटल दीनानगर। मैं अपने आप नूं बहुत खुशकिस्मत समझदा हाँ कि अज मैनू SS कॉलेज विच जो NSS दा कैंप पिछले करीब हफ्ते तो चल रहा है, इत्थे आ के बच्चों के नाल रूबरू हो के प्रिंसीपल आ के तुली जी की देख रेख विच जो ये कैंप चल रहा सी, उहदे विच मैं बच्चों के नाल रूबरू हो के सेहत अते सेहत नूं किवें चंगे रखना है और किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां अज दे युग विच साडी सेहत नाल संबंधित सानूं सेहत नूं खराब कर रहियां ने और उन्हां तों किवें अपने आप नूं असीं बचा सकदे आ, इहदे बारे मैं बच्चों नूं दे नाल अपने विचार जिहड़े उह सांझे कीते। और असीं जाणदे ही आ कि अज दे युग दे विच जो सेहत दीआं समस्यावां ने वो ज़्यादा तो ज़्यादा साड़ी जिहड़ी आ डाइट नाल साड़े लाइफ स्टाइल दे नाल रिलेटड ने। पहलां कहिंदे हुंदे सी बीमारियां जिहड़ियां हुंदियां सी उह आउंदियां हुंदियां सी एज ए एपीडेमिक, डायरिया हो गया, प्लेग आ गई, चेचक आ गई। अज जिहड़ियां बीमारियां ने जिवें साड़ियां लाइफ स्टाइल दीआं ने, जिवें कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट दीआं बीमारियां ने, कैंसर दी बीमारी है, सो इह सारियां बीमारियां जिहड़ियां साड़ियां अपनियां साड़ी सेहत खुद खराब करके सानूं पनप रहीआं ने। जे असीं अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लीए, अपनियां ईटिंग हैबिट्स ठीक कर लीए, असीं इहनां बीमारियां तों बच सकदे हां। और इहदे बारे मैं बच्चों के नाल अपने विचार सांझे कीते कि एक क्योंकि एक उपराला है ये साडे अजिहे कैंप जिन्हां दे विच बच्चों नूं ही खुद अवेयर करके कि जे ये चीज़ां दसीए तो ये अगे जा के साडे समाज विच अपने आस पड़ोस विच अपने फ्रेंड सर्कल दे विच जे ये चीज़ां सारिआं नूं अवेयर करन तां असीं इहनां अलामतां तों बच के अपनी जिहड़ी चंगी सेहत बारे मतलब बना सकते हैं, सेहत नूं चंगा कर सकते हैं अते इन्हां बीमारियों तो बच सकते हैं। जे साडी सेहत चंगी होगी असीं चंगी सोच रख सकते हैं, अपनी समाज दे भलाई दे काम बारे चंगा सोच सकते हैं और असीं अपने देश प्रति चंगा सोच सकते हैं। जे खुद बीमार होवांगे तां इह सारियां चीज़ां जिहड़ियां उह पॉसीबल नहीं हैगियां। सो मैनूं बड़ा चंगा लगा कि मैं सारियां चीज़ां जिहड़ियां सेहत नाल संबंधित सीगा इशू सीगा बच्चों के नाल रूबरू हो के सांझे कीते ने और आस करदा हाँ कि अजिहे कैंप अगां जिवें चलते आ रहे ने इन्हां कैंपां राहीं असीं जिहड़े साडे बच्चे ने जिहड़े पार्टिसिपेंट ने, मैं इन्हां नूं अपील भी करदा कि ये जिहड़ा सुनेहा है साडा ये अगां साडे लोकां विच लै के जाण, क्योंकि एक चंगी सेहत ही जिहड़ी हैगी आ उहदे करके उहदे नाल ही असीं अपना चंगा भविख बना सकदे हां। सो इन्हां लफ्ज़ां दे नाल मैं अज स्कूल प्रबंधन कॉलेज प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, प्रोफेसर हांडा जी का, ग्रोवर जी का, सुमन जी का, प्रोफेसर मनजीत कमल जी जी का, जिन्होंने उपराला किया कि मैनूं इत्थे बुलाया है कि मैं बच्चों के नाल रूबरू हो सकिया हाँ। मैं पूरी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि इन्होंने जो अज उपराला किया है कि मेरा जो मैसेज है, मैं समझदा हाँ कि इन्हां दे राहीं ये मैसेज मेरे होर नेड़े दे लोकां तक जाएगा और वो भी इन्हां चीज़ां नूं जे अपनी जिंदगी विच अप्लाई करनगे तो असीं रल मिल के अपनी जिहड़ी चंगी सेहत जिहड़ी आ उह बना सकदे आ। थैंक यू। NSS साडे कॉलेज दे विच NSS दे 3 यूनिट्स जिहड़े ने उह वर्किंग करदे ने ते इस सैशन दे विच गुरु नानक देव विश्वविद्यालय दे द्वारा ते प्रचार्य महोदय जी दी अगवाई हेठ 7 दिन दा कैंप जिहड़ा है उह नियोजित कीता गया है। अज साडे कॉलेज दे विच डॉक्टर बाजवा जी ने हैल्थ दे उत्ते बच्चों नूं जागरूक कराया है, क्योंकि बिना हैल्थ तो
असी कुछ भी नहीं कर सकते। जे असी राष्ट्र नूं समाज नूं अगे लेके जाना है उहदे लई साडी हैल्थ जिहड़ी है वह सही होनी जरूरी आ। नैशनल सर्विसिज स्कीम जे असी राष्ट्र दे लई कोई काम करना है, नॉट मी बट यू दा जिहड़ा उहदा मेन एम है, उद्देश्य है, जे असी वह उहनूं नेपरे चाड़ना है तो उहदे लई साडा जिहड़ा स्वास्थ्य है ये बहुत ही जरूरी है। असी NSS की राष्ट्र की कोई भी वर्किंग जिहड़ी आ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਥੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ NSS ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਸਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਆ ਹੈ। NSS ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੋਜਿਤ ਹੈ, ਜੋ 24 ਸਤੰਬਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ NSS ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਰ कॉलेज में ये जो स्पेशल कैंप जो है जो ऑर्गेनाइज किया गया है 7 डेज का, ये जो कैंप है इसमें गर्ल्स विंग और दो हमारे बॉयज़ विंग जो यहाँ पे चल रहे हैं, इसका जो कैंप का लगाने का जो मेन मोटिव हमारा यही रहा है कि बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किए जाएं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण इसी युवा वर्ग के साथ किया जा सकता है। ये युवा वर्ग अगर इसमें सेवा की भावना होगी तो कल को जब ये राष्ट्र के निर्माण के लिए अलग अलग जगहों पे डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए जाएंगे तो इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने समाज सेवा कैसे करनी है। समाज सेवा ये सिर्फ एक राष्ट्र को उन्नत बनाने का ये NSS का एक उद्देश्य रहा है। राष्ट्र उन्नत होगा तभी ही ये जो युवा वर्ग है वो आगे जाके एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। कितने दिन मैम ये कैंप का? जी 7 दिन का हमारा कैंप था जब यहाँ पे, अभी आज हमारा 4th डे है और 4th डे में आज हमारे साथ भाजपा डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर भाजपा जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने बच्चों को यहाँ पे हेल्थ से संबंधित जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ जानकार करवाया जो जरूरी था, तो इसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। बच्चे भी इतने मौजूद है, गलबात कर लेने की सिखा नु जिहड़ा इदां दे कैंपां तों जिहड़ा मिलदा है, की नाम जिहड़ा? शिवाय सर। शिवाय की कहना चाहते हो अज कैंप दे विच, डॉक्टर बाजवा जी ने तुहानू कुछ टिप्स दित्तियां ने हेल्थ दे रिगार्डिंग, तां किद्दां देखदे हो और की समझ आई उहदे विच? सर अज साडा 4th डे है कैंप दा ते असीं बहुत कुछ सिख रहे हां, कल रेड क्रॉस वाले भी आए सी ते अज डॉक्टर बाजवा साहब आए रहे, असीं बहुत कुछ सिख रहे हां ते अगे उम्मीद है कि बहुत कुछ सिखांगे। मैं बहुत खुश नसीब हां कि मैं NSS दा कैंप ज्वाइन कीता। की अज की टिप्स जिहड़ियां डॉक्टर बाजवा जी तुहानू दस्सी? डॉक्टर साहब ने यही टिप्स दित्तियां कि असीं अपनी बॉडी नूं किद्दां मेंटेन रखणा, ਕਿਹੜੀ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਪ੍ਰਿਆ। ਪ੍ਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ NSS ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਲੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਏ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੀ, ਇਸੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੂਣਾ KRT ਨਿਊਜ਼ 3 ਨਾਲ।